खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संगीतकार मिका सिंह के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में उनके घर के ठीक बाहर यहां पर देखेंगे आप AICWA, जो कि बॉलीवुड में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का एक संगठन है, कर्मचारियों का एक संगठन है। वो सभी यहां सड़कों पर निकले हैं मिका सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। अपने हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, पाक का मिका, माइक का मिका, इसी तरीके के नारों के बीच में, इस तरीके की बातों के बीच में तमाम जो ये कार्यकर्ता हैं संगठन के विरोध कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि क्यों आखिर उस फंक्शन में मिका सिंह गए जहां पर भारत विरोधी माहौल था। हम बात करते हैं 8 तारीख को पाकिस्तान की कराची में जाकर मिलिट्री डिटेक्टर पर पर्रा मुशर्रफ, जिसने कारगिल वॉर करवाया, उस दौरान कितनी हिंदुस्तानी में जाने गए, उसके रिश्तेदार की शादी में गए, मिका सिंह गा रहा है। पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, कितने आर्मियों ने अपनी जान दी। 370 35 AR का हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया, उसके बाद समझौता 100 को बीच बीच रोक दिया गया, जहां से हमारे हिंदुस्तान के जाके ट्रेन को लाया गया, पूरा किया गया, हमारे व्यापार को रोक दिया गया, इंडियन मूवी में पाबंदी लगा गई। उसके बाद ही मिका सिंह को पता होने के बाद भी वहां जाके गा रहा है। मिका सिंह की कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के खाते हैं और वहां की जाके नाम लेते हैं। आज इसके लिए हमने पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पूरे हमने बॉयकॉट किया है उसको, और मिका सिंह सॉरी बोल के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने आपको देख चुका है, क्योंकि आपने जो गद्दारी की है। और मिका सिंह आपको आपने हिंदुस्तान में अपना नाम बनाया, शौहरत बनाया, सा नाम इज्जत सब कुछ मिला, लेकिन उसके बावजूद आप पैसे के लिए आपने हिंदुस्तान को छोटा समझा। आज मुल्क के लिए सब कुछ है मिका सिंह, आज की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मुल्क जब आएगा तो स्टैंड लेना होगा। आप पुलवामा अटैक के जब हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करवाया, तब पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों आके प्रधानमंत्री की सपोर्ट किया और हिंदुस्तान के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी बॉलीवुड तुम जैसे लोग जो स्टैंड लेते नहीं, जिस समय हमारा तनाव का माहौल है, जिस समय पाकिस्तान साजिश लड़ रहा है हिंदुस्तान से लड़ने की, उस समय तुम जैसे लोग वहां जाके कुछ पैसों के लिए वहां पर ईमान बेचकर बेशर्मों की जगह वहां जाके तुम गाना गा रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मिका सिंह गो बैक टू पाकिस्तान, ये हमारा भारत है, हमारा पाकिस्तान है। वो तुमने वहां कहा तो क्या कहा था, हमारा पाकिस्तान, ये हमारा भारत है, हमारा भारत है, हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा था, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। माता की जय। हम चाहते पूरे फिल्म इंडस्ट्री से जो भी देशभक्त है पूरे फिल्म इंडस्ट्री, वो मिका सिंह के साथ काम ना करे, और जो काम करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, जो काम करेगा वो देशभक्त कहलाएगा। मुंबई की सड़कों पर मिका सिंह के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनके घर के ठीक बाहर आप देखेंगे AICWA, एक जो संस्था है, उसके तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं, मिका सिंह का विरोध कर रहे हैं। मिका सिंह जो पाकिस्तान में गाना गाने गए थे, उसके बाद से ये पूरा विरोध है। हाथों में पोस्टर जिसमें लिखा है गो बैक पाकिस्तान मिका सिंह, या शहीदों का अपमान है, ये सारी बातें तमाम जो ये करता है AICWA के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि मिका सिंह जो पाकिस्तान में उस दौर में गाना गाने गए जब देश में इतना माहौल बना हुआ था कश्मीर को लेकर, और उस बीच जो उन्होंने मेरा पाकिस्तान जैसी बात करी, यहां पर AICWA उस बात को कहता हुआ क्या उनका विरोध कर रहा है पैसे के लिए, इस सब चीजों के पीछे ऐसा कहना है इस संस्था के लोगों का। अब देखिए पुलिस उन्हें गाड़ी में लेकर जा रही है यहां से, तो उनके घर के ठीक बाहर यहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम जो ये कार्यकर्ता है AICWA के वो पहुंचे थे, और अब प्रदर्शन के बाद पुलिस उन्हें लेकर अपने थाने की तरफ जा चुकी है।